सो गाइस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है ऑल न्यू सुजुकी जिमनी और ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे पे मैं इस गाड़ी का आज हाईवे स्टेबिलिटी टेस्ट करने वाला हूँ। तो लगभग अभी हम 40-50 किलोमीटर चला चुके हैं हाईवे पे इस गाड़ी को। तो ओवरऑल मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा हाईवे पे इसका, क्या अगर आप जिमनी लेते हो तो क्या हाईवे पे चलाने के लिए ये गाड़ी बढ़िया है, कितने RPM पे रहती है अगर आप 100-120 पे क्रूज़ करते हो या 80 पे क्रूज़ करते हो, उस टाइम पे MID में कितना माइलेज शो कर रहा है। तो जितने भी डाउट्स आप लोगों के हैं जो कमेंट्स में आए हैं अलग अलग जिमनी की वीडियोस पे जो मैंने डाली है, ड्रैग रेस, टग ऑफ वॉर या ऑफ रोडिंग, उन सभी पे, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देने वाला हूं और फर्स्ट इंप्रेशन भी बताने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी के अंदर आना और बाहर आना इज़ वेरी इजी। जो हाइट है वो काफ़ी परफेक्ट है, कोई परेशानी आपको हसन सच नहीं आएगी। ये मेरे पास में जो गाड़ी है वो मैनुअल वर्जन है, टॉप एंड मॉडल अल्फा, और स्टार्ट स्टॉप बटन, हैंड ब्रेक डाउन, एंड अभी पीछे कोई गाड़ी हाँ आ रही है, एक गाड़ी आ रही है पीछे, वो निकल जाए देन उसके बाद में अपन निकलते हैं, ठीक है। सो हियर वी गो। और हाईवे पे जो है वो डेफिनेटली आप स्पीड लिमिट फॉलो करके ही चलेंगे, तो यहाँ पर 120 की स्पीड लिमिट है, तो वहाँ तक जो है वो मैं आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ। और गियर कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 2500 RPM पे आने के बाद में आपको ऐसा फील होता है कि हाँ आपको गियर शिफ्ट जो है वो कर देना चाहिए। फिफ्थ गियर में आ गए हैं हम लोग और 60 की स्पीड है अभी गाड़ी की, तो 2000 RPM पे अभी अगर मैं चल रहा हूँ हाईवे पे। अभी ये थोड़ा सा जो है वो ऊपर की तरफ है तो इसको प्लेन सरफेस जो है वो आने देते हैं। तो अभी ये जो है 70 की स्पीड पे चल रही है 2000 RPM के आसपास, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल इंजन है, RPM थोड़े से अपसाइड जो है वो रहते हैं। अब अगर 80 की स्पीड पे क्रूज़ करना है तो क्या डायनामिक्स वगैरह रहते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी बारिश भी आ रही है तो उसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे सकती है। 80 की स्पीड पे कार जो है वो अराउंड 2500 RPM पे, व्यूइंग एंगल वगैरह काफ़ी बढ़िया है गाड़ी का, आप काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पर बैठते हो, आपको हाइटेड फील होता है जिमनी में बैठने पर, ऐसे आपको लगता है कि इसकी हाइट कम है, बट जब आप बैठते हो अंदर तो आपको काफ़ी सही जो है वो फील होता है कि हाँ सभी जगह से आपको प्रॉपर दिख रहा है, बोनेट आपको दिख रहा है, आगे पीछे से गाड़ी जो है वो आपको ORVM पे प्रॉपर तरीके से दिख जाती है। स्क्वायरिश काफ़ी बड़े ORVM जो है वहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं और IRVM से भी ठीक ठाक व्यू जो है वो मिल जाता है, बिकॉज पीछे दो ही हेडरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देन उसके बाद में अगर बात करें कि अगेन स्पीड पे आ जाते हैं, तो 80 की स्पीड पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ और अभी मतलब एकदम प्लेन सरफेस आई है, तो 2400-2500 RPM के आसपास जो है वो गाड़ी क्रूज़ कर रही है। अब स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं और 100 तक जो है वो मैं स्पीड इसकी बढ़ाता हूँ, 90, तो अराउंड 2700-2800 RPM के आसपास में, और अभी यहाँ पर डाउन स्लोप जा रहा है तो जहाँ जहाँ प्लेन सरफेस होगी वहाँ पर देखेंगे। फिफ्थ गियर में हूँ, अगेन सिक्स गियर होना चाहिए था ऐसा फील होता है। अभी 100 की स्पीड पे हैं अपन ऑलमोस्ट, और 100 की स्पीड पे यहाँ पर 3000 RPM से जो काटा है वो हल्का सा ऊपर सा ही जो है वो दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 3000 RPM के आसपास जो है वो आप इसको मान सकते हो। यहाँ पर सेंटर में दिखा नहीं रहा स्पीड, वरना आपको दिख जाता, नो इशू। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखा जा रहा है, मैं यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी बता देता हूँ, तो अराउंड 15-16 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी अभी शो कर रहा है, जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 98-105 के आसपास क्रूज़ कर रहा हूँ और 3000 RPM पे हूँ, तो अगेन आपको 14-15 के आसपास का माइलेज जो है वो MID पे दिखा रहा है। अब अगेन थोड़ा सा स्पीड को पुश करते हैं और 110-120 तक जो है वो जाके देखते हैं कि वहाँ पर कितने RPM जो है वो है। अब जैसे ही स्पीड क्रॉस करी है तो काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट जो है वो फील हो रहा है गाड़ी के अंदर, और ऑलमोस्ट 3500 RPM के पहले ही जो है वो गाड़ी 110 पे आ गई है, मतलब 300-400 RPM ऊपर आए और 110 आ गए। अभी अगेन 120 तक क्रूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि यार ये जो गाड़ी है वो आप इसको स्पीड लिमिट पे पुश करना चालू कर रहे हो। अभी 120 पे मैं चल रहा हूँ और 3600-3700 RPM के आसपास जो है वो गाड़ी आ गई है, तो यहाँ पर आपको 120 पे ये फील होगा कंटिन्यूसली जो हवा जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी, बिकॉज बॉक्सी शेप है, इसके एरोडायनामिक्स उतने ज़्यादा बेटर नहीं होते हैं। SUV ये प्रॉपर तरीके से ऑल ग्रिप के साथ में आती है, तो वो कंटिन्यूसली आपको चीज़ें मतलब ऐसे परेशान से करेगी कि यार इसको अपन थोड़ा सा स्लो ही चलाओ। तो कहाँ पर चलाने में रिलैक्सिंग फील होगा कि अगर आप इस टाइप के हाईवे पर चल रहे हो, तो 100-110 के आसपास जो है वो आप चला लो मैक्स,
बाकी तो ऐसा है कि अगर आपको आराम से चलना है तो आप 100 की स्पीड पे चलाओ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे विंड ब्लास्ट वगैरह शो नहीं करता है और टायर की नॉइज़ भी इतनी ज़्यादा जो है वो आती नहीं है और काफ़ी अच्छी तरीके से कार जो है वो चलती है और आपको भी ऐसा फील होता है कि हाँ इस स्पीड पे कार स्टेबल भी है, आपके कंट्रोल में भी रहने वाली है और स्टीयरिंग का फील एंड फीडबैक जो है वो भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। अभी अगर लेन चेंज करते हैं तो अगेन मारुति वाली वाइब तो नहीं है, इसके अंदर स्टीयरिंग थोड़ी सी मतलब बोल सकते हैं ना कि वेट रखती है और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बट उतना ज़्यादा एक्यूरेट फीडबैक जो है वो कनेक्टेड वाली वाइब भी जो है वो नहीं आती है। बट अगर कंपेयर टू थार, ये स्टीयरिंग मेरे को ज़्यादा बेटर फील होती है, बिकॉज थार के अंदर टायर जो है वो काफ़ी चौड़े हैं और वहाँ पर फिर क्या होता है कि वो स्टीयरिंग में कंटिन्यूसली आपका हाथ जो इफेक्ट लेता रहता है। मतलब यहाँ पर ये स्टीयरिंग देखो बिल्कुल एकदम स्टेबल है, ठीक है, कोई मतलब ऐसे हिल नहीं रहा कहीं पे भी इधर उधर गाड़ी हो रही है तो, और थार में वो चीज़ शो करती रहती है, स्टीयरिंग पे आपका हाथ ऐसे 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 होता रहता है, तो वो चीज़ मुझे इसके अंदर अच्छी लगती है। सस्पेंशन इसके काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छे हैं, तो गाड़ी एकदम मतलब ऐसे कुछ बॉबलिंग या ऐसा कुछ मतलब जो रोड का सरफेस है एंडुलेशन है वो शो भी नहीं करती है। अंदर सीट पे भी मैं बैठा हूँ तो एकदम स्टेबल जो है वो चल रहा हूँ, वो चीज़ है। हाँ, एकदम प्रॉपर सेडान वाली है, हैचबैक वाली वाइब तो नहीं आने वाली है, बट अगेन जो इसके राइवल्स हैं फोर्स गुरखा या थार, उनसे तो मतलब बोल सकते हैं कि 200x टाइम ये कंफर्टेबल जो है वो आपको गाड़ी लगने वाली है। और अगेन अभी मैं बात करते करते 110 के आसपास, 100 और 110 के आसपास क्रूज़ कर रहा हूँ। फ्यूल एफिशिएंसी अगेन 13-14 किलोमीटर पर लीटर के आसपास, 15 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। तो ये सभी चीज़ें हैं, बाकी ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह इट्स ऑल राइट, नॉट दैट मच गुड कि आपको एकदम शार्प बाइट मिल जाएगी, बट हाँ इट्स ओके, आपका काम जो है वो बन जाएगा, आप इजीली जो है वो गाड़ी को रोक पाओगे। आप जब 5-7 दिन चला लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको गाड़ी को जो है वो रोकना है, कितने दूर पर रोकना है। अभी सीन ये है अपने साथ में कि अभी अगर जैसे माइलेज का ओवरऑल मैं आपको एक्सपीरियंस शो करूँ तो सिटी में आपको अराउंड 11 के आसपास की जो माइलेज है, 10 से 11 के आसपास माइलेज मिलेगी, बट अगर आप प्यार से चलाते हो तो आप 12-13 के आसपास भी जो है वो माइलेज निकाल सकते हो। और अभी जैसे यहाँ पर टर्न ले रहे हैं तो अगेन यहाँ पर स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल जो है वो शो करती है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यार ग्राउंड क्लियरेंस जितना है 210 mm के आसपास, तो वो चीज़ आपको फील होगी। फिर सॉफ्ट सस्पेंशन है और SUV स्टैंड है, बॉडी का बॉक्सी डिज़ाइन है, तो इसलिए आपको शो फील होगा, मतलब लाइक बॉडी रोल ठीक ठाक सा। तो आप स्पीड जो है वो 60-70 के आसपास ही जो है वो टर्न में रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। बाकी ओवरऑल कार अच्छी है, अगर आपको आराम से चलने में मज़ा आता है कि हाँ यार मेरे को तो मतलब मज़ा करना है, मेरे को ऐसा नहीं है कि भगानी 120-140 पे, मेरे को अपने वही 80-100 पे चलना है अपनी फैमिली के साथ में, सेफ्टी के साथ में, 6 एयरबैग्स वगैरह गाड़ी के अंदर आते हैं टॉप मॉडल में, और एक ऐसा मतलब व्हीकल चाहिए आपको कि कहीं पर भी वो आपको लेके चले जाएगा इंडिया में, मतलब कहीं भी है वो आपको फंसने नहीं देगा। हाँ, एक्सट्रीम बहुत ही ऐसी जगह ले जाके फंसा दो तो यार कई सारी जगह तो ट्रैक्टर भी फंस जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, बट वही अगेन 4x4 है, आप मोस्टली सारी जगह से चाहे कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन की रोड पे आप चले जाओगे तो वहाँ से ये व्हीकल जो है वो आपको लेके चले जाएगा, और ये चीज़ जो है वो आपको काफ़ी प्राउड फील करवाएगी। और जो जिप्सी है उसी का ही सक्सेसर इसको आप बोल सकते हो, ये जिप्सी का नया वर्जन है और वो वाली DNA जो है वो कंटिन्यू करा है मारुति ने इसके अंदर। उसमें 1.3 इंजन आता था, ये 1.5 लीटर इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड है और 104 PS के आसपास की पावर जनरेट करता है, 134 NM के आसपास का टॉर्क। बस ये कमी लगती है कि 6 स्पीड का ट्रांसमिशन होता है, मैनुअल ट्रांसमिशन, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आप लोगों को हाईवे जो अपना क्रूजिंग स्पीड है वो मिल जाती, बट हाईवे क्रूजिंग स्पीड आपको 5 गियर होने की वजह से RPM काफ़ी ऊपर चल जाते हैं, दैट्स वाई आप 100-110 तक ही स्टक होकर रह जाते हो। बाकी ओवरऑल AC के परफॉर्मेंस डिसेंट है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत ज़्यादा कम, मतलब अगर आप स्पीड पे कंटिन्यूसली चलते रहते हो तो आपको कूलिंग जो है वो मिलती रहेगी, परेशानी आपको नहीं आएगी। और एक मतलब ये जो भी स्ट्रेट ग्लास वाली गाड़ियाँ होती है, जो भी SUV होती है प्रॉपर, ठीक है, उसमें ये रिफ्लेक्शन जो है वो शो करता है, तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि इसमें या तो कुछ डिफरेंट टाइप के ग्लास यूज़ किए जाने चाहिए कंपनी को, या इनका कुछ एंगल शिफ्ट कर देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है अभी जैसे उस तरफ के जो वो ब्लॉक्स हैं वाइट एंड ब्लैक जो पैटर्न चल रहा है वो मेरे को कंटिन्यूसली यहाँ पर शो हो रहे हैं, भले मैं आगे कितना भी फोकस कर लूँ मेरी फेरी आई में मेरे को वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, बिकॉज इसमें अलॉय व्हील्स, टिंटेड ग्लास, बड़ी स्क्रीन, ये सब चीज़ें मिल जाती है, तो ₹1,00,000 जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो टोटली वर्थ बाय। और प्रोजेक्टर हेडलैम्प आप लोगों को तो मिल ही रहे हैं, फॉग लैम्प भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, वॉशर जो है वो भी आप लोगों को मिल जाता है, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है। बेस और टॉप दोनों ही मॉडल आते हैं, उसका कंपैरिजन भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर कहीं मिलेगी तो आप देख लेना।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी एक सिटी ट्रैफिक में जो है वो अलग से मैं चला के आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो आपकी मिलने वाली चैनल पे। तो मेक श्योर अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। सो गाइस, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, जिमनी पे और कोई कॉन्टेंट देखना है कॉमेंट करो या इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर दो। ड्राइव सेफ़।